अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम इस टाइम मौजूद हैं लेक व्यू पार्क में। मेरे साथ हैं मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त उस्मान अब्बासी। आज हम व्लॉग में, इस चैनल का पहला व्लॉग है हमारा, तो चले आए आपको विजिट करवाते हैं। उस्मान भाई टेस्ट करके बताएं कैसा लग रहा है। चेक करते हैं। मजे क्या, लेकिन इतना गर्म नहीं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप लेक व्यू में सिर्फ इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं कि आप बोटिंग करें, तो बोटिंग यहाँ पे जो है वो फॉर द टाइम बीइंग वो बैन है। ठीक है, तो कभी भी अगर आए पाएँ तो लेक व्यू का जो पेज ऑफिशियल पेज है वहाँ पे आप चेक करके आएँ। अगर बोटिंग की इजाज़त हो तो तब आ पाएँ, सिर्फ अगर बोटिंग पर्पज़ के लिए आ पा रहे हैं। अगर आप फिर फैमिली घूमने के लिए आ रहे हैं तो इट्स ओके।
ख्याल कीजिएगा, हम कुछ आपको चीज़ें दिखाएंगे। ये पब्लिक प्लेस है और ये पाकिस्तान हमारा है और ये प्लेसेस भी हमारे हैं, तो हम कम अज़ कम इनको पोल्यूटेड ना करें। हम लोग इनको इतना इतना वेस्ट फेंक के चले जाते हैं, ऐसा तो कोई मतलब जानवर भी नहीं करेगा अपने प्लेस के लिए, अपने प्लेस के साथ। और अगर खूबसूरती के साथ अगर गंद भी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, मज़ा सारा किरकिरा सा हो जाता है। बिल्कुल यही बात है। ये बीन्स होने के बावजूद कचरा बीन से बाहर ही होता है, ये पाकिस्तानी अवाम का वतीरा कि कचरा हमने बीन्स में नहीं डालना, हमने खूबसूरती को नेचर को हमने डिस्टर्ब करके उसकी नेचर को ख़राब करना है। तो बराए मेहरबानी कुछ ख्याल करें अपना और अपने माहौल का। जी तो गाइस, आज का हमारा जो व्लॉग था लेक व्यू का, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग हमारा जो है वो पसंद आएगा। तो मज़ीद व्लॉग्स के लिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप हमें सजेशन, आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम किस तरह इसमें आपको मतलब किन किन जगहों को और किस तरह इसमें बेहतरी ला सकते हैं और किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आज तक का हमारा व्लॉग यहीं पे एंड होता है, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अबे कैंसिल हो गई थी, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है।